समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी को भी प्रणाम करता हूं। एक बार पुनः मनोज भाई को बधाई देता हूं। बधाई इस बात के लिए नहीं कि आज उनका जन्मदिन है, और इसलिए भी नहीं कि जन्मदिन कवि सम्मेलन के साथ में है। बधाई इस बात के लिए दूंगा कि आज इस कवि सम्मेलन में बड़ा अनूठा दृश्य है। एक तरफ मंच पे पूज्य संत कालीचरण जी महाराज की उपस्थिति है, तो दूसरी तरफ श्रोताओं में हम सब ने देखा था थोड़ी देर पहले प्रमोद जी झांसा पधारे थे और दो संतों का मिलन हुआ था मंच पे। वो एक बड़े संत आप सबके बीच में बैठे हैं पीछे इस नीचे जाजम पर। मैं मन से कहना चाहता हूं ऐसा अद्भुत कवि सम्मेलन साहब मैं मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूं, जहां एक संत मंच पे हो और एक संत जनता के साथ में। मैं चार पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहता हूं कविता से। स्वागत। भूमिका बहुत ज्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भाई अतुल जी ने बहुत अच्छी भूमिका बना दी है। अभी 10 दिन पहले हमारे सेना प्रमुख विपिन रावत साहब ने एक चेतावनी दी कि अब कश्मीर के जो पत्थरबाज हैं उनके साथ भी आतंकवादियों के जैसा सलूक किया जाएगा, और उसके बाद तमाम विपक्षी दल सेना के विरोध में खड़े हो जाते हैं और सेना को नसीहत देते हैं कि सेना अपनी हद में रहे, सेना अपने अनुशासन में रहे। तब देश के इन गद्दारों के लिए चार पंक्तियां मैं पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि हमें खतरा नहीं है उनसे जो उस पार बैठे हैं, चिंदी चोर पाकिस्तान के औकात में साहब, उससे हमको कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा नहीं है उनसे जो उस पार बैठे हैं, उधारी मांग कर हथियार उधारी मांग कर हथियार जो हर बार बैठे हैं, असल खतरा तुमसे है, असल खतरा तुमसे है जो मेरे घर में रहते हैं। रोकना साहब तालियां, अगली पंक्ति में बजाना आप तालियां। असल खतरा तुमसे है जो मेरे घर में रहते हैं, रोटियां हिंद की खाकर पाक की गोद बैठे हैं। चार पंक्तियां और देना चाहता हूं साहब। जब हमारे 3 जवान शहीद होकर के आए उस दिन, तब हमारे सेना प्रमुख का जो उन्होंने चेतावनी दी, जो 3 जवान हमारे शहीद होकर के आए और जब उनके शव घर के आंगन में आए तब उनकी आत्मा के उद्गार क्या थे, सुनिएगा। तिरंगा ओढ़ कर आया हूँ ये पैगाम लाया हूँ, तिरंगा ओढ़ कर आया हूँ ये पैगाम लाया हूँ, गीदड़ों ने मारा है शेर को ऐलान लाया हूँ, गीदड़ों ने मारा है शेर को ऐलान लाया हूँ, हिमाकत क्यों कर ली उसने, हिमाकत क्यों कर ली उसने मेरी चौखट में घुसने की।
अगली पंक्ति को संभालना था। हिमाकत क्यों कर ली उसने मेरी चौखट में घुसने की, मेरे घर में विभीषण है उन्हें पहचान आया हूं। चार पंक्तियों से देश की बेटी स्वाति महादिक को सम्मान देना चाहता हूं साहब। स्वाति महादिक जिनके पति संतोष महादिक कश्मीर में आतंकी हमलों में शहीद हो गए और उसके बाद वो बेटी निर्णय करती है सेना में भर्ती होने का, वो अपने पति के अधूरे कामों को पूरा करने का निर्णय करती है और 6 महीने की कठिन सेना की तपस्या के बाद ट्रेनिंग के बाद उस सेना में भर्ती होती है। तब चार पंक्तियां उस बेटी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं साहब, सुनिए। स्वागत कि कभी मेहंदी सजी उन हाथों ने हथियार थामे हैं, कभी मेहंदी सजी उन हाथों ने हथियार थामे हैं, कभी पायल सजी वो पांव फौजी बूट बांधे हैं, कभी पायल सजी वो पांव फौजी बूट बांधे हैं, सजी थी लाल जोड़ा वो सजी थी लाल जोड़ा वो आज फौजी की वर्दी में, वतन पर मिटने की ये चाह बस भारत में बसती है। वतन पर मिटने की एक कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं साहब, छोटी सी कविता है। स्वागत भैया। 3 साल पहले इस देश की संसद में एक घटना घटी, अभी अतुल जी ने जिक्र करा था वंदे मातरम का। संसद में ग्रीष्मकाल का सत्र अवसान चल रहा था और वंदे मातरम का गीत चल रहा था। उस समय बहुजन समाज पार्टी का एक गद्दार सांसद शफीकुर रहमान पर खड़ा होता है और वंदे मातरम का विरोध करता है। वो इससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस देश का साहब, आज तक उस गद्दार सांसद के खिलाफ कोई FIR लॉन्च नहीं हुई। वो इस देश में आजाद घूमता है तब आपके इस बेटे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कलम के माध्यम से साहब। सुनिए एक बार जरा, पीछे तक जोरदार तालियां बजा दे तो मुझे थोड़ा एहसास हो जाए कि आप कविता सुनने के मूड में आ गए हैं। कि काकी नाढ़ा की गलती का दंश अभी तक झेल रहे, काकी नाढ़ा की गलती का दंश अभी तक झेल रहे, जिनमें माँ का अंश नहीं है वो पलकों पर खेल रहे, जिनमें माँ का अंश नहीं है वो पलकों पर खेल रहे, पहले मजबूरी में जाकर हमने घुटने टेक दिए, अब सत्ता के लिए समर्पण संसद ने भी देख लिए, हमने भारत भक्ति पर भी समझौते कर डाले थे, हमने भारत भक्ति पर भी समझौते कर डाल, आजाद भारत में जन्म लेने वाली इस पीढ़ी को, महू की इस जवानी को एक बात बता करके जाना चाहता हूं साहब। इस पीढ़ी को पता नहीं होगा कि क्या था काकीनाड़ा और क्या हुआ था काकीनाड़ा में आजादी के पहले 1923 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था साहब, वहां पर वंदे मातरम गाने के लिए पंडित पलुस्कर जी को बुलाया गया और जब पंडित जी ने वंदे मातरम का गीत प्रारंभ किया तो वहां पर भी एक गद्दार पश्चिम बंगाल का मुस्लिम नेता अली बंधु खड़ा होता है और वंदे मातरम का विरोध करता है और पंडित जी उसके मना करने के बाद भी जब अपना गाना प्रारंभ रखते हैं तो वंदे मातरम का बहिष्कार करके वहां से जाता है साहब। और दुर्भाग्य इस बात का कि महात्मा गांधी जी भी उस मंच पे थे। महात्मा गांधी जी ने उस दिन उस गद्दार सांसद को रोका नहीं, टोका नहीं, तब मुझे लगता है कि शायद इस देश का दुर्भाग्य तो उसी दिन से शुरू हो गया था। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। हमने भारत भक्ति पर भी समझौते कर डाले थे, इसीलिए तो राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर डाले थे, बाद में समझौता हुआ साहब कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा। आज भी संविधान में जिस वंदे मातरम को मान्यता प्राप्त है वो 6 पंक्तियों को मान्यता प्राप्त है और केवल 6 पंक्तियां गाते हैं। हमने भारत भक्ति पर भी समझौते कर डाले थे,
इसीलिए तो राष्ट्रगीत के दो टुकड़े कर डाले थे, इसी भूल में बंटवारे का बीज हमी ने गाड़ दिया, इसीलिए तो जिन्ना ने भारत का नक्शा फाड़ दिया, मान बिंदुओं के समझौते बंटवारे तक चले गए, मेरे बापू के सपने जिन्ना के हाथों चले गए, गांधी जी की मजबूरी हालातों का समझौता है, लेकिन अब तो कदम कदम पर भारत माँ से धोखा है, लेकिन अब तो कदम कदम पर भारत माँ से धोखा है। तुम संसाधन में उनका पहला अधिकार मानते हो, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे साहब संसाधनों में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप पहला नहीं पूरा अधिकार दीजिए, पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं साहब, ये पूछने का हक हमारा भी है कि तुम संसाधन में उनका पहला अधिकार मानते हो, उनको भारत भाग्य विधाता का किरदार मानते हो, फिर गद्दार ही क्यों मजहब के दर से होकर आती है, फिर गद्दार ही क्यों मजहब के दर से होकर आती है, क्यों संसद में राष्ट्रगीत को ठोकर मारी जाती है, भरी सभा में राष्ट्रगीत का चीर हरण हो जाता है, लेकिन अब तो मोहन भी लाचार दिखाई देता है, ओसामा के क्रियाक्रम पर भी सवाल जो करते हैं, आज अलीगढ़ के ताले उनकी जुबान पर लटके हैं। और अगली दो पंक्तियों में गद्दारी के इतिहास का एक शब्द प्रयोग किया है साहब मैंने, आज जब कन्हैया जैसे गद्दार भारत माता की छाती पर खड़े होकर के भारत मुर्दाबाद बोलते हो, तब ये दो पंक्तियां कितनी सार्थक लगती हैं आपको, मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से जानना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया साहब, सुनना अभी रोकना तालियों को, कि संसाधन में जब उनका पहला अधिकार बताया है, लेकिन माँ पर मिटने का कर्तव्य नहीं समझाया है, ओसामा के क्रियाक्रम पर भी सवाल जो करते हैं, आज अलीगढ़ के ताले उनकी जुबान पर लटके हैं, गौरी की क्या ताकत थी, गलती अपनों की भारी है, हमने तो हर बाजी केवल जयचंदों के हारी है, हमने तो हर बाजी के। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जीतू जिराती जी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मैं मनोज भैया से निवेदन करता हूं कि उन्हें सम्मान मंच पर ले, और इसमें बुरा मानने क्या बात है, उनका जन्मदिन नहीं होता कल सम्मेलन होता क्या, नहीं होता तो उनका काम कर रहा तुम अपना काम करो, तो एक बार जरा आज जोरदार तालियां बजाएं, हालांकि अच्छी कविता पढ़ रहे हैं, देश की संसद में देश के राष्ट्रगीत का अपमान होता है साहब, कहां से आती है ये हिम्मत, कौन देता है ये हिम्मत, मान सिंह यादव जी भी हमारे बीच आ गए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कहाँ रह गए वो भी आ जाए मंच पर, आ गए आप ताली बजाए ऐसा काम नहीं चलेगा, तो मैं बता रहा था साहब हाँ। कि देश की संसद में देश के राष्ट्रगीत का अपमान हो जाता है, कहां से आती है ये हिम्मत, कहां से जन्म लेता है दुस्साहस, कुछ कारण बताना चाहता हूं साहब हाँ। कारण सही लगे तो आठवीं पंक्ति पर आपका समर्थन मांगता हूं साहब, सुनिएगा स्वागत, कि जब गौरव के पन्नों पर हमको अभिमान नहीं होता, वाह वाह वाह, जब गौरव के पन्नों पर हमको अभिमान नहीं होता, इतिहासों की सही समझ का हमको ज्ञान नहीं होता, इतिहासों की भूलों से जो सीख नहीं ले पाते हैं, इतिहासों की भूलों से जो सीख नहीं ले पाते हैं, जय चंदों की परिपाटी को खूब निभाते जाते हैं, मेरे भारत में राणा का मान नहीं हो पाता है, और विदेशी हमला, आदरणीय झा साहब से मेरा निवेदन है, मेरी कविता पूरी सुन के जाते तो मुझे अच्छा लगता सर, मुझे
पता है बहुत अमूल्य समय है आपका। सुनेगा साहब, आदरणीय झा साहब ने मेरा निवेदन स्वीकार करा, मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। जब गौरव के पन्नों पर हमको अभिमान नहीं होता, इतिहासों की सही समझ का हमको ज्ञान नहीं होता, इतिहासों की भूलों से जो सीख नहीं ले पाते हैं, जय चंदों की परिपाटी को खूब निभाते जाते हैं, मेरे भारत में राणा का मान नहीं हो पाता है, मेरे भारत में राणा का मान नहीं हो पाता है, और विदेशी हमलावर अकबर महान हो जाता है, सावरकर की तुलना जब जिन्ना से करने लगते हैं, सावरकर की तुलना जब जिन्ना से करने लगते हैं, आजादी के सूरज को दीपक दिखलाने लगते हैं, हम फिर से बढ़ते जाते हैं बंटवारे की राहों में, क्योंकि हमने सांपों को पाला है अपनी बाहों में। जब ओसामा को भी ओसामा जी कहने लगते हैं, वाह, हमारे देश का नेता दिग्विजय सिंह हमारे प्रदेश का वो बोलता है ओसामा जी, बाबा रामदेव को ठग बोलता है साहब। तब 68 साल की विडंबना 8 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं साहब, सुनिएगा। जब ओसामा को भी ओसामा जी कहने लगते हैं, दाऊद के दामादों को भारत का वीजा देते हैं, हम आतंकवादियों के भी साथ खड़े हो जाते हैं, हम आतंकवादियों के भी साथ खड़े हो जाते हैं, और शहीदों के लोहू को कुत्तों से चटवाते हैं, जब भारत माँ से भी अपने स्वार्थ बड़े हो जाते हैं, आतंकी मुठभेड़ों को फर्जी बदलाने जाते हैं, गद्दारों से समझौतों के हाथ बढ़ाए जाते हैं, जिन्ना की माटी पे जाकर फूल चढ़ाए जाते हैं, जिनका कोई धर्म नहीं वो भी दफनाए जाते हैं, यहाँ जेल में अफजल के फातिये पढ़ाए जाते हैं, गद्दारी इनके लोहू में अनुवांशिक बीमारी है, हमने तो हर बाजी केवल जय चंदों से हारी है। हमारे देश में 1100 सालों में बहुत सारे धर्म और संस्कृतियां आई साहब, हमको किसी से कोई परहेज नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब भी किसी ने इस धरती माँ से गद्दारी की वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ पंक्तियां इस पृष्ठभूमि पर पढ़ता हूँ साहब, सुनिएगा, मंच का भी मन मना कि हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानने वाले हैं, हम तो पूरी दुनिया को परिवार मानने वाले हैं, धर्मों को बस पूजा का आधार मानने वाले हैं, हमने धर्म नहीं देखे बस वतन परस्ती देखी है, हमने धर्म नहीं देखे बस वतन परस्ती देखी है, इसीलिए हर मजहब ने दिल्ली की कुर्सी देखी है, जिसने मजहब से पहले माँ की मीनारे देखी है, जिसने मजहब से पहले माँ की मीनारे देखी है, उनकी तस्वीरें संसद की दीवारों में देखी है, लेकिन माँ से गद्दारी स्वीकार नहीं हो पाएगी, लेकिन माँ से गद्दारी स्वीकार नहीं हो पाएगी, शाह जफर की कुर्बानी बेकार नहीं हो पाएगी, जब हमीद के अरमानों की चिता जलाई जाएगी, वंदे मातरम की आवाजें जन्नत से भी आएगी, वंदे मातरम की आवाजें जन्नत से भी आएगी। भारत माता की वंदे मातरम। वाह, हम कबीर साईं बाबा को पलकों पर बैठाते हैं। जो लोग हिंदू को आतंकवादी बोलते हैं साहब, सांप्रदायिक बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूं साहब, पूरी दुनिया में कबीरदास जी और साईं बाबा ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जन्म होने का और उनके उनका अंतिम संस्कार कौन से रीति रिवाज से हुआ आज तक किसी को पता नहीं है। उनको कौन भगवान मानता है, सिर्फ हिंदू मानता है साहब। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। हम कबीर साईं बाबा को पलकों पर बैठाते हैं, उनके हर उपदेशों को हम सीने से चिपकाते हैं, वृंदावन के कदम कदम रसखानों के गुण गाते हैं, वृंदावन
कदम के कदम कदम रसखानों के गुण गाते हैं, जो गोकुल की गायों में भी जन्नत का सुख पाते हैं। लेकिन माँ पर मिटने की जब हमसे होड़ नहीं होगी, लेकिन माँ पर मिटने की जब हमसे होड़ नहीं होगी, तो बिस्मिल अस्फाकों की भारत में जोड़ नहीं होगी। जब हकीम खासूर भरोसे हल्दी घाटी होती है, तो मजहब की दीवारें भारत से छोटी होती है, तो मजहब की दीवारें भारत से छोटी होती है। राष्ट्रवाद की परिभाषा भी राजनीति की मारी है, हमने तो हर बाजी केवल जय चंदों से हारी है, हमने तो। आखिरी चार मिनट ओढ़ लूंगा साहब, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। मैं इस कविता का वो हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ साहब, जो इस कविता का प्राण है। कुछ लोग जो वंदे मातरम को साधारण कविता मानते, मैं बताना चाहता हूं साहब वंदे मातरम क्या है, स्वागत, कहां से जन्म होता है वंदे मातरम का, सुनेगा। आखिरी चार मिनट लेता हूं आपके, स्वागत। ये सदियों के संघर्षों और बलिदानों की गाथा है, ये सदियों के संघर्षों और बलिदानों की गाथा है, जिसका भारत माँ के अंतर मन से गहरा नाता है। इसी गीत में सार लिखे हैं दुनिया के सब ग्रंथों के, इसी गीत में सार लिखे हैं दुनिया के सब ग्रंथों के। इसी गीत को गाकर माँ के बेटे झूले फंदों से, इसी गीत को गाकर माँ के बेटे झूले फंदों से। ये गीत शहीदों को गीता से ज्यादा पावन लगता है, ये गीत शहीदों को गीता से ज्यादा पावन लगता है। धरती माँ से बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है, हम धरती के लिए धर्म क्या स्वर्ग छोड़ने वाले हैं, हम धरती के लिए धर्म क्या स्वर्ग छोड़ने वाले हैं। सोने की लंका से भी हम आंख मोड़ने वाले हैं, गुरु गोविंद के अंतर्मन से यही गीत सुना होगा, जब जिंदा दीवारों में बेटों को चुना गया होगा, जब जिंदा दीवारों में बेटों को चुना गया होगा। वंदे मातरम जोहर वाली ज्वालाओं से आता है, वंदे मातरम जोहर वाली ज्वालाओं से आता है, वंदे मातरम राणा सांगा के गांवों को भाता है, वंदे मातरम पन्ना के बलिदानों की परिभाषा है, वंदे मातरम पन्ना के बलिदानों की परिभाषा है। स्वामी भक्ति पर मरने वाले चेतक की आभा है, मंगल पांडे झांसी वाले रानी की ये गाथा है, राजगुरु सुखदेवों वाले इंकलाब की भाषा है। वंदे मातरम शेखर वाली बंदूकों से आता है, जो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आ पाता है। जहां सुभाष के जय हिंद वाले नारे शीश झुकाते हैं, आजादी का बीड़ा जिस पद जाकर तिलक उठाते हैं। और अगली दो पंक्तियों में अगर आपके मन की बात कह दूं, तो यहां से पीछे तक पूरे सदन के हाथ खुलना चाहिए साहब, सुनिएगा। जहां सुभाष के जय हिंद वाले नारे शीश झुकाते हैं, आजादी का बीड़ा जिस पद जाकर तिलक उठाते हैं। वंदे मातरम हमको तो अपने प्राणों से प्यारा है, वंदे मातरम बिना अधूरा हिंदुस्तान हमारा है, वंदे मातरम बिना अधूरा हिंदुस्तान हमारा है। आखिरी चार पंक्तियों में आपकी ओर से देश के गद्दारों को संदेश देना चाहता हूं साहब, आपकी संदेश देश के गद्दारों को, कि हो सकता है आज चांद समझौता करे चांदनी से, हो सकता है आज चांद समझौता करे चांदनी से, हो सकता है मीन रहे जिंदा अब तो बिन पानी के, हो सकता है आज चांद समझौता करे चांदनी से, हो सकता है मीन रहे जिंदा अब तो बिन पानी के, हो सकता है सूरज भी अब नई दिशाओं से निकले, हो सकता है सूरज भी अब नई दिशाओं से निकले, हो सकता है बर्फीली चट्टानों से शोले निकले, हो सकता है आज धरा मिल जाए गगन सितारों से, हो सकता है शेरों की यारी हो जाए सियारों से। रोकना साहब, हो सकता है आज धरा मिल जाए गगन सितारों से, हो सकता है शेरों की यारी हो जाए सियारों से।
वंदे मातरम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होगा, वंदे मातरम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होगा, वंदे मातरम से गुस्ताखी भारत से गद्दारी है, हमने तो हर बाजी केवल जय चंदों से हारी है। वंदे मातरम, वंदे